देहरादून में आगामी 18 से 27 अक्टूबर तक सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें स्वयं सहायता समूहों के प्रतिभागी, दस्तकार और हस्तकला कारीगर अपने स्टालों की प्रदर्शनी लगाएंगे और अपने उत्पादों को बेचेंगे। साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक दलों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मेले की तैयारियों के संबंध में जिले के मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। मेले के सफल आयोजन के लिए अधिकारियों की समिति बनाते हुए दायित्व सौंपे गए हैं। साथ ही प्रत्येक दिन गोष्ठी और कार्यशाला के लिए प्रभारी अधिकारी भी नामित किए गए हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने गठित समिति के सदस्यों को आपस में समन्वय कर मेले का सफल आयोजन करने को कहा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, जो हमारा रेंजर्स ग्राउंड है, इस बार हम सरस मेला जो होता है भारत सरकार की तरफ से और हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उनकी तरफ से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो पूरे विभिन्न जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सभी जगह के SHG मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स शोकेस करेंगे। इसके अलावा हमने पूरे देश में सभी स्टेट्स को भी इसमें हमने इनविटेशन भेजा है, तो वहाँ से भी मोस्टली सभी स्टेट्स से हमें कंफर्मेशन आ गए हैं कि वहाँ से भी ग्रुप्स आ रहे हैं जो यहाँ अपने प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, शोकेस करेंगे। उनको एक मार्केट एरिया मिलेगा जहाँ पे वो अपना लोगों को अपने प्रोडक्ट सेल भी करेंगे और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे। इसके अलावा हम विभिन्न कल्चरल नाइट्स भी डेली कर रहे हैं, जिसमें डिफरेंट हम जो हमारे कल्चरल आर्टिस्ट हैं उनको बुला रहे हैं, तो वो भी इसमें लोगों को एंटरटेन करेंगे। एक भव्य रूप से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, प्रॉपर अच्छी फूड स्टॉल लगाई जा रही हैं, इसमें बच्चों के लिए स्पेशल एंटरटेनमेंट जोन भी बनाया जा रहा है, झूले वगैरह भी लगे जा रहे हैं कि जितने हो सके मैक्सिमम लोग इसमें पार्टिसिपेट करें।